हेलो दगड़ियों। तो हम आज आ रखे हैं उत्तराखंड के पुल्यासु गांव, जो कि मेरी नानी का गांव है। और अभी फ़िलहाल मैं यहां पे उन सड़क पे हूं, जो कि गांव के बहुत पास आ चुकी है और अभी फ़िलहाल कच्ची है। तो आज ब्लॉग वगैरह नहीं है ये, हम बस अपने यहां पुल्यासु गांव दिखाना चाहते हैं, कैसा छोटा सा गांव है और यहाँ पे कितने कम लोग हो गए। मतलब धीरे धीरे यहाँ से लोग जो है दिल्ली शहरों की तरफ मतलब निकल चुके हैं। तो दिखाता हूँ आपको। और इस गांव में ना सबसे ऊपर एक घर बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड से नहीं है, वो बाहर से आए हैं। तो मतलब उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ले ली। अब अभी तो एक है, तो कभी ऐसा होगा कि और भी लेंगे और धीरे धीरे बस जाएंगे ऐसे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार दिखाता हूँ कि क्या सीन है इस गाँव का और क्यों किसी ने ज़मीन ली है यहाँ पे। हेलो हेलो करो, हेलो बाय 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 बाय। हम आपका गांव दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक, ओके ओके। किस प्रकार का छोटा सा गांव है और कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये है जो उत्तराखंड से नहीं है, पर इनको उत्तराखंड इतना भाया कि इन्होंने अपना घर ही बना दिया, जो कि बहुत बेहतरीन घर है यहाँ का। दिखाऊं के अंदर तो इस गांव का अच्छा तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा घर। मैंने बोला उत्तराखंड इतना अंदर अंदर भी बनाने ना ना नहीं नहीं चलो तो अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ से ये गांव की तरफ सड़कें जा रहे हैं, रास्ता जा रहा है जो पैदल का रास्ता है, काफी सही बना दिया है। पर वही अब लोग नहीं है तो गांव में थोड़ी तरक्की हुई है, जब लोग होते तो तरक्की कम होती है। ऐसे ही बहुत सारे गांव हैं जो लोगों के जाने के बाद मॉडिफाई हुए हैं, वहां पे बदलाव आए हैं। और यहाँ पे एक तो ऊपर ही इनका घर हो गया और ये एक मेरे मामा है, सिर्फ मामा मामी है अभी फ़िलहाल, तो उनका घर है। पर अभी दोपहर का टाइम है तो कोई भी अपने घर नहीं है, उन्होंने भी अभी बनाया है घर, पहले नीचे था उनका। अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ। और ये है जो घर, ये हमारे पुल्यासु का पोस्ट ऑफिस है और इसको एक मामा चलाते हैं हमारे इस गांव के। तो दिखाते हैं आपको, ये जो अगने अगने जा रही है मेरे मामा का लड़का है, सौरभ सिंह नाम है इनका। नमस्ते, और ठीक ठाक। तो ये हमारे पुल्यासु गांव का पोस्ट ऑफिस है, मामा चलाते हैं इसको। और अभी जो हाई कर रहे थे नाना, उनका घर ये है। तो ये है ऐसे नीचे का रास्ता। वो देख हर बारी उस साइड जाता है। ये जो बना रखा है इस गांव के पानी के लिए बना रखा है, मतलब जमा होता है यहाँ पे पानी। अभी तो डाट बंद कर रखा है, इसको खोल के ये पानी जो है इसमें जमा होता है। ये अभी गंदा हो रखा है बहुत। और ये जो पानी है ये खेतों की तरफ चले जाता है और जो साफ पानी है वो घर के नल की तरफ। कुछ घर ये इधर की तरफ है, ये मैं अभी इस तरफ जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, तो वो दिखाता हूँ आपको। फिलहाल हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाय किस प्रकार देख रही है कि ये लड़का क्या करना चाहता है। शूटिंग चल रही है गांव में।
और इस गांव का सबसे बेहतर घर जो कि अब बंजर हो चुका है, तिवरी वाला, पर क्या कर सकते हैं, अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार के घर जो है खंडर में दिखेंगे। मेरा पैर चले गया है मूल में, मैंने मूड़ी देखा नहीं। अरे एक गाय आ रही है भैया, चलो अभी जैसे दो रास्ते कट रहे हैं, जो कि ये जंगल की तरफ चलता है और इधर वाला जो है गांव की तरफ। चलो आपको दिखाते हैं आगे। आराम से भाई, अभी इधर से हम चलते हैं, हमारे एक फेवरेट मामा है, हैं? वीडियो बन रही, वीडियो हम दिखा रहे हैं पुलियासु गाँव। तो इधर मामा लोग हैं हमारे और एक नानी, उनके घर दिखाते हैं, देखते हैं वो घर में है या नहीं। तो ये है हमारे मामा लोगों का घर, जो कि काफ़ी मॉडिफाई है। इधर दिखाते हैं हम आपको। तो ये स्पेशल गाय बकरी वगैरह के लिए बना रखा है। ये संतरे का पेड़ है, जो कि अभी है नहीं, सर्दियों में होते हैं। और ये देखिए आम लगे हुए हैं, ये देखो एक डेढ़ महीने में पक जाएंगे ये भी। और फूल गुलाब का। तो एक सबसे ऊपर वाला घर और एक ये जो है बहुत मस्त बन रखे हैं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो चलिए नीचे चलते हैं। अब ये घर है ये हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको उधर जाना पड़ेगा बेकार में। बस हम बाहर बाहर से बता देते हैं, पर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारा फेवरेट फ्रूट बेड़ू। ये देखिए, ये खा खा के हमने अपने पेट भी ख़राब कर रखे कभी ज़माने में, और अब पर ये बना रखा है नाना लोगों ने ऊपर। ये बना रखा नाना लोगों ने। पता नहीं भूत मिला जी, नाना भूत तो नहीं। चलो फिर अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, जो कि मेरी नानी का घर है। अब यहाँ से भी दो रास्ते हैं, एक जा रहा है इधर, ये जाता है नीचे गदने के लिए भी, जो कि हम कभी कभी जाते हैं। और गदरा देखो नीचे, और ये है हमारे घर का रास्ता। तो हमारी जो नानी है वो शादी के लिए तैयार हो रखी है, शादी में जा रहे हैं। वीडियो बना के आ रहा हूँ बस। चले गए मामा और चले गए? वो तो चल गए ना। अरे तो वीडियो बना के आता हूँ बस घर के। हाँ सौरभ मेरे साथ ही चल रहा है, आ जा। तो ये ऊपर मामा लोगों ने अपने गाय भैंस के लिए बना रखा है, और ये जो है मेरी छोटी नानी का घर है, वो भी शादी में जा रखे हैं अभी। आज बगल वाले गांव में शादी है तो सब वहीं जा रखे हैं। और ये है हमारी नानी का घर, ये मेरी रियल नानी का घर है।
हमारा पूरा घर। ऐसा है पूरा। ये लैटरिन बाथरूम इधर की तरफ और इसकी छत हो गई। और इधर हमारे रसोई भी है, कभी कभी बाहर बैठा बना देते हैं। और कमरे नाना है, नाना के। चलो हम जा रहे हैं। ये हमारा घर। तो आपने देखा होगा ये छोटा सा ही गांव है, जिसमें मुश्किल से अभी तो 20-25 लोग हो रखे हैं गांव में। पर अगर नॉर्मल यहाँ पे गांव में अगर लोग गिने, सिर्फ 10-15 लोग हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं। मतलब एक परिवार में होता है किसी गांव में इतने लोग जितने पूरे गांव में हैं। हमारे खुद के गांव में मतलब जब एक परिवार को गिने तो वो 15 तक आ जाते हैं, पर इस गांव के पूरी कुल संख्या जो है सिर्फ 15 ही है, जो कि बहुत बेकार बात है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है गांव बहुत खाली हो रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं बगल वाले गांव में, गुंड नाम है गांव का, वहां पे एक शादी है तो उसे अटेंड करने। बाकी दूसरे गांव का मैंने अभी एक पार्ट दिखाया नहीं, वो दिखाता हूँ। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जो कि गांव का दूसरा रास्ता है। और अब मेरी सांस भी फूलने लगी क्योंकि चढ़ाई कर रहे हैं। ये गाय अजीब तरीके से देखने में लगी हुई है। मारे गए बोल दिया जैसे। तो यहाँ पे गंदा पानी भर रहा है और इधर भी कुछ घर है। जो कि नीचे के रास्ता है यहाँ के ले जाने के लिए। इधर भी बस 2-3 ही घर है। अच्छा ये हमारी है आगे वाली। हाँ उधर की तरफ बादल ला रखे। एक घर है ये बस लास्ट। एक गाय हो रखी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जिन्होंने रास्ता कर रखा है, रोक रखा है। बस ये लास्ट घर है हमारे यहाँ का। तो यहाँ पे घर की संख्या जो है वो भी कम है। तो अब हम जा रहे हैं गुंड गांव। और ये है पैदल वाला रास्ता, जो कि जंगल वाला रास्ता है। नानी भी पीछे पीछे आ रही है।